हेलो दोस्तों, तो ये है रियलमी नार्जो 30 स्मार्टफोन और इसको मैंने बाय कर लिया है फ्लिपकार्ट से। अभी करंटली इसका प्राइस जो है 12,500 है बेस वेरिएंट का, लेकिन जिन्होंने इसको फर्स्ट सेल में ख़रीदा है उनको ये 12,000 का मिल गया और मुझे भी ये फ़ोन जो है 12,000 का मिल गया। तो काफ़ी कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ये फ़ोन, जैसे कि इसमें G95 प्रोसेसर है, 98 की डिस्प्ले है, 5000 एमएएच बैटरी है। तो करते हैं इसके रिटेल यूनिट की अनबॉक्सिंग, क्या क्या देखते हैं, बॉक्स कॉन्टेंट्स हैं और कैसी वैल्यू फ़ोन प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले इस फ्लिपकार्ट के पैकेज को ओपन कर लेते हैं। बाय द वे दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसका, ये सबसे पहले तो हमें इनवॉइस मिल जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इसका इनवॉइस, और ये कट गया है शायद, ये 11,900 कट गया है, लेकिन जो भी है, बाकी इसको साइड में रख देते हैं और ओपन करते हैं बॉक्स। तो दोस्तों, ये रहा मेन बॉक्स इस रियलमी नार्जो 30 स्मार्टफोन का, और स्काई ब्लू कलर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को बॉक्स। सीरियसली कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे बॉक्स का, और क्वालिटी तो एज़ यूजल जैसी रियलमी के बॉक्स की क्वालिटी होती है वैसी है। यहाँ पे बड़ी बड़ी नार्जो की ब्रांडिंग है, और फ्रंट में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, कहीं भी यहाँ पर रियलमी की ब्रांडिंग नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड, बट रियलमी यहाँ कहीं भी मेंशन नहीं है। यहाँ पर रियल नार्जो लिखा हुआ है बाय रियलमी, जैसे कि मैं ऑलरेडी वीडियोज़ में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अब नार्जो सब ब्रांड बनता जा रहा है रियलमी का, तो वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है नार्जो बाय रियलमी। और तो इस टाइप का कुछ बॉक्स है। बाकी अगर बात करूँ बैक साइड की, तो यहाँ पर कुछ मेन हाईलाइट गिवन है, जैसे कि इसमें G95 गेमिंग प्रोसेसर है, 30 वॉट का डार्ट चार्जर मिल जाएगा, और 5000 एमएएच की बैटरी है, 90 हर्ट्ज की स्मूथ डिस्प्ले है, और 48 मेगापिक्सल का AI ट्रिपल कैमरा है। और बाकी यहाँ पर इसकी कुछ मेन हाईलाइट्स हैं, और यहाँ पर मेड इन इंडिया भी मैंशनड है। तो करते हैं इसकी सील को ओपन। तो एक ही साइड यहाँ पर सील रहती है रियलमी के स्मार्टफोन्स में, तो यहाँ पर एक ही साइड सील है, इसको कर लेते हैं ओपन और करते हैं बॉक्स को ओपन। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा है फील द पावर नार्जो बाय रियलमी। तो बेसिकली इस फ़ोन में जो है, यहाँ पर आपको सिम इजेक्टर टूल मिल जाएगी, और फिर कुछ पेपर वर्क से पेपर मैनुअल्स हैं यहाँ पर, और बहुत ही पेपर कम वर्क हो गया अब। और बाकी ये है क्लियर केस जो कि हल्का सा ब्लैकिश टोन पर है। तो बाकी अब आते हैं नेक्स्ट कंटेंट में। तो ये है हमारा फ़ोन रियलमी नार्जो 30 स्मार्टफोन, इसको भी साइड में रख देते हैं। बाकी है यहाँ पर ये एक केस, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रखा हुआ है चार्जर जो कि डार्ट चार्जर है 30 वॉट का, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और फिर यहाँ पर आपको मिल जाएगी एक केबल जो कि है USB A2 टाइप सी डेटा केबल, जैसे कि आप लोग दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर टाइप सी डेटा केबल, वही टिपिकल रियलमी की केबल है, और क्वालिटी भी वही टिपिकल जो रियलमी की होती है वैसी है, और लेंथ भी ठीक ठाक है। तो ये सब कुछ बॉक्स कंटेंट आपको मिलेंगे। अब इन सब चीज़ों को भी साइड में रख देते हैं। और आते हैं अपने मेन फ़ोन पर। तो बेसिकली ये है रियलमी नार्जो 30 स्मार्टफोन, इसको निकाल लेते हैं सेल्फी से बाहर। और फर्स्ट लुक ये है कुछ इस तरह का स्मार्टफोन का, इस चिट को भी हटा देते हैं। और यार काफ़ी ज़्यादा शाइनी सा सरफेस है, ग्लॉसी सरफेस है इस रियलमी नार्जो 30 स्मार्टफोन का। मतलब अगर मैं इसको कंपेयर करूँ अपने रेडमी नोट 10 से, तो यहाँ पर मैंने अगर रखा है रेडमी नोट 10, तो आप देख सकते हो इसकी फिनिशिंग जो है बिल्कुल मैट है, जबकि इसकी थोड़ी सी ग्लॉसी फिनिश है। और वेट की अगर बात करूँ तो हल्का सा मेरे को थोड़ा भारी लग रहा है ये रियलमी नार्जो 30 स्मार्टफोन, जबकि रेडमी नोट 10 थोड़ा लाइट वेट है। लेकिन ओवरऑल जो शाइनी सरफेस है वो इस रियलमी नार्जो 30 का ही है, इसका मैट सरफेस है, इसको भी साइड में रख देते हैं। बाकी अगर बात करूँ दोस्तों आपसे फ्रंट की, तो हाँ यहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्टर जो है, स्क्रीन गार्ड बेसिकली जो आता है कंपनी की तरफ से, वो लगवा है। तो इसको करते हैं ओपन। तो फ़ोन हो गया है ओपन, इतने में यहाँ पर जो है इसकी सिम ट्रे चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पर आपको जो है ट्रिपल सिम स्लॉट मिलती है, यानी कि आप दो सिम और एक माइक्रो एसडी कार्ड, तीनों चीज़ें एक साथ जो है इस फ़ोन पर आप यूज़ कर पाओगे। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये फ़ोन 5G को सपोर्ट नहीं करता है, ये 4G सिम्स को सपोर्ट करता है, और दोनों ही में जो आपको 4G सिम देखने को मिल जाएगी दोनों ही स्लॉट्स में। तो फ़ोन हो चुका है ओपन, अब जल्दी से मैं फ़ोन को जो है सेट कर लेता हूँ।
तो दोस्तों फाइनली जो फ़ोन है वो मैंने सेट कर लिया है। और अगर आपसे मैं बात करूँ ब्लोटवेयर की, तो हल्के फुल्के ऐप जो हैं यहाँ पर इंस्टॉल है, जैसे कि अमेज़ॉन के कुछ ऐप हैं, booking.com है, स्नैपचैट है, और कुछ रियलमी के जो ऐप्स होते हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको रियलमी UI 2.0 देखने को मिल जाएगा विद एंड्रॉयड 11। और अगर आपसे मैं बात करूँ अबाउट फ़ोन की, तो मैं अबाउट फ़ोन में लेकर आपको चलता हूँ। तो यहाँ पर आपको जो है डिवाइस में 49.8 GB स्टोरेज जो है अवेलेबल मिल जाएगी आउट ऑफ 64 GB। बाकी एंड्रॉयड 11 यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप लोग दोस्तों देख सकते हो एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स है। लेकिन यहाँ पर जो एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट है वो अभी अप्रैल के महीने का है, करंटली जुलाई चल रहा है, तो ये मेरे को थोड़ा स्ट्रेंज बात लगी। लेकिन जो भी है, आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 11 देखने को मिल जाएगा। और अगर आपसे बात करूँ मैं बाय डिफ़ॉल्ट रिफ्रेश रेट की, तो मैं आपको डिस्प्ले में दिखा देता हूँ। तो करेंटली जो इसकी डिस्प्ले है वो ऑटो सेलेक्ट पर बेसिकली सेट है, यानी कि डिस्प्ले अपने आप ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगी 90 Hz और 60 Hz के बीच में। लेकिन अगर आप इसे चाहो तो चेंज भी कर सकते हो 90 Hz और 60 Hz के बीच में। बाकी मैंने इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी सेटअप कर लिया है, तो मैं आपको स्पीड दिखा देता हूँ। तो ठीक ठाक स्पीड है, मतलब वही जो 12-13 हज़ार के फ़ोन वाली जो होती है स्पीड, वही ठीक ठाक यहाँ पर स्पीड आपको देखने को मिल जाएगी फिंगरप्रिंट स्कैनर की। तो भाई इस टाइप का ये है Realme Narzo 30 स्मार्टफोन। और इसका केस भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो Realme ने अपनी वेबसाइट पर मेंशन करा है कि इसका 192 ग्राम्स वेट है फ़ोन का, और केस हो चुका है अप्लाई, तो काफ़ी अच्छी ग्रिप प्रोवाइड कर रहा है केस। लेकिन यार केस के बगैर ही यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो केस हटा देता हूँ मैं। बाकी दोस्तों अगर आपसे मैं इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाएगी, जो कि 90 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। और यहाँ पर आपको 518 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी, तो ब्राइटनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है डिस्प्ले की। और अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑटो पर सेलेक्ट है इसकी जो ब्राइटनेस है। तो इस टाइप की कुछ डिस्प्ले है यहाँ पर। और ये कैमरा जो पंच होल है, बेसिकली मेरे को काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा इसका साइज़, मतलब अगर मैं इसको Redmi Note 10 से कंपेयर करूँ। खैर यहाँ पर तो आपको एमोलेड मिलती है Redmi Note 10 में, लेकिन जो भी है इसका कैमरा पंच काफ़ी छोटा है, इसका काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। बाकी लाइट वेट भी मैंने पहले आपको बताया कि Redmi Note 10 ही ज़्यादा है। खैर इनको दोनों को अच्छे से कंपेयर करेंगे अगली वीडियो में। और बाकी अगर आपसे मैं प्रोसेसर की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको G95 प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि गेमिंग प्रोसेसर है MediaTek का। और रैम और स्टोरेज की टाइप करूँ, तो यहाँ पर आपको LPDDR4X रैम मिल जाएगी, UFS 2.1 स्टोरेज मिल जाएगी। दो वेरिएंट हैं बेसिकली फ़ोन के, जो बेस वेरिएंट है उसमें 4 GB रैम है और 64 GB स्टोरेज है, उसकी प्राइस 12,500 है। जो 6 GB 128 GB रैम वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस 14,500 है। तो इस टाइप का कुछ फ़ोन है। बाकी अगर आपसे बात करूँ मैं कैमरा की, तो बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया है यहाँ पर। जो प्राइमरी लेंस है वो 48 MP का है, और 2 MP की इन्होंने खामखा जो है माइक्रो डेप्थ लगा दिए हैं। बाकी प्राइमरी जो लेंस है वो 48 MP का ही है। और मैं आपको दिखा देता हूँ कैमरा इंटरफेस। तो नाइट वीडियो फोटो पोर्ट्रेट 48 मोर में ये सारे आपको जो है ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। बाकी अगर आपसे बात करूँ मैं फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पर जो है सोनी का सेंसर है बेसिकली, 16 MP का यहाँ पर ये कैमरा मिल जाएगा आपको फ्रंट में, और सोनी का सेंसर है सोनी IMX471। और कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करे हैं, आप चाहो तो देख सकते हो स्क्रीन पर। तो इस टाइप का कुछ फर्स्ट लुक में इसका कैमरा है। बाकी इसको अच्छे से जब टेस्ट करूँगा तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। बाकी यहाँ पर आपको जो है 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 30 W फास्ट चार्जर, और ये रहा डार्ट चार्जर, इसको भी अच्छे से टेस्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो भाई इस टाइप का कुछ फ़ोन है ये Realme Narzo 30 स्मार्टफोन। और काफ़ी कमाल की वीडियोस आने वाली हैं इस फ़ोन के ऊपर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। और आपका कोई स्पेसिफिकली कुछ सजेशन है इस फ़ोन को लेकर, तो कमेंट कर देना, हो सकता है मैं उस पर वीडियो बना दूं। बाकी इस टाइप का ये फ़ोन है Realme Narzo 30। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार है हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।